All right, we are here with the celebrity chef. Of course, you all know him, Vikas Khanna. Hi, Vikas, how are you? Good to see you. Absolutely, my pleasure. So tell us, what is Mr. Modi's favorite food? He is a very simple eater. मैंने बहुत वर्ल्ड लीडर्स के लिए खाना बनाया और बहुत डिमांड्स होती हैं लिस्ट में क्या करना है क्या नहीं. इनका होता है मुझे बिल्कुल सात्विक खाना, सिंपल खाना देना, एंड विच इज आई हैव ऑलवेज फॉलोड थ्रू दैट. एंड आई फील के बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकॉज इनके खाने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यूज है ऑफ हु ही इज एंड ही कंटिन्यूज दैट. एंड व्हाट इज इट, कैन यू से टू आवर व्यूअर्स अबाउट इट अ लिटिल बिट. मैं एक चीज बता रहा, जो मेरे को हमेशा सर्व करके मजा आया वो इनकी सिंपल सी दाल खिचड़ी. एंड यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन एंड द मोस्ट हम्बल फूड ऑफ इंडिया इज दिस कम्फर्ट फूड. एंड बट ऑफ कोर्स एवरी टाइम आई सर्व्ड इट आई ट्राई टू चेंज हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट्स प्रेजेंटेड, क्योंकि यू नो इट्स आल्सो मोमेंट फॉर मी टू शो माय क्राफ्ट एंड आल्सो शो द एवोल्यूशन व्हिच इज हैपनिंग टू इंडियन फूड. Right, absolutely. We're all excited that he's here, and I have seen the crowd downstairs. They're all going crazy, bizarre actually, I can say. So your message to Mr. Modi? I would say that thank you so much for being this gravity for all Indians. I just feel that you are such a unifying force, which is very important for us to be collectively together, because ek hi tarika hai tarakki karne ka jab hum ek dusre ka saath dete hain. सबका साथ सबका विकास भी मैं हूँ, बट मैं ये भी बोलूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि ही रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग फोर्स ऑफ इंडियंस. और जब हम यूनिफाई करते हैं कोई पर्पस के लिए तो हम सबकी तरक्की होती है. Welcome. Absolutely. Thank you so much, Vikas, for your time. And it was really lovely meeting you. You have to say anything to my viewers about your special cuisine, I can say, or it's your favorite hub, I can say. मैं ये बात बता सकता हूँ कि special person like you आपके बारे में कि what I've learned from you is very amazing. कि जब आपको रास्ता रोक दिया जाए आपका, आप नया रास्ता ढूंढ के, क्योंकि वो बहुत छोटी जगह थी, क्योंकि आप बड़ा रास्ता आपने आसमान जितना बड़ा रास्ता ढूंढ लिया and you're still shooting this. This is what I love. People get demoralized and that is my only thing which I have learned is got to keep going and I learned it from you today. Thank you so much. That was great. Lovely.